गाइज़, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? आई रियली होप एकदम बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ एंड मैं लेके आ गई हूँ एक और वीडियो नीतू जी सीरीज़ में, दैट इज़ नीट यू जी, जिसमें कि मैं आपके हर सवाल के आंसर सीधा वीडियो बना के देती हूँ, सो दैट उस सवाल से रिलेटेड जितने भी बच्चे हैं उनको हेल्प हो पाए। तो एक सवाल आया कि उनका क्वेश्चन ये है कि अभी लेटेस्ट जनवरी ही आने वाला है, अब जाकर अगर मैं नीट 2022 का प्रिपरेशन करूँ तो क्या मेरा सिलेक्शन हो सकता है? क्या हम अभी भी स्टार्ट कर सकते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले, अगर आप मुझे बिल्कुल नहीं जानते तो हाय, मैं निशु हूँ और मैं इस चैनल पर इसी तरीके की वीडियो बनाती हूँ और नीट एस्पिरेंट्स को हेल्प करती हूँ एंड स्टडी चैलेंजेस करवाती हूँ एंड भी बहुत सारा कुछ। तो अगर आप ये सब देखने में इंटरेस्टेड हो और आपको लगता है कि मैं आपके प्रिपरेशन में एक पर्सन भी हेल्प कर पा रही हूँ, तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज मेरे लिए वही एक मोटिवेशन होता है एकदम अर्ली मॉर्निंग उठ के आप लोगों के लिए वीडियो बनाने का। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो। होने से पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप मेरा कोई भी अगर वीडियो देखते हो और आपको लग रहा है कि टाइम वेस्ट हो रहा है, तो आप 2x स्पीड पे देखिए, लेकिन पूरा देखिए, क्योंकि मैं वैसे भी लंबे वीडियोस नहीं बनाती। मैक्सिमम कोशिश करती हूँ कि कम ड्यूरेशन में आपको समझा दूँ, बट फिर भी आपको लगे तो देन 2x स्पीड पे देखना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, अगर बात करें जीरो से स्टार्ट करने का, तो मैं आपको ये बता दूँ कि जीरो पे तो कोई नहीं है। आपने 11th 12th पढ़ाई करी होगी अगर आप ड्रॉपर्स हो। अगर आप 12th में हो तो डेफिनेटली 11th पढ़ाई करिए, फिर 12th में हो और आप 12th खत्म होने वाला है, यानी बोर्ड्स भी आने वाले हैं। इसका मतलब आपने पढ़ाई तो किया है और आप जीरो पे बिल्कुल नहीं हो। पहले दिमाग से ये हटा दो कि आप जीरो पे हो। कोई भी इंसान जीरो पे नहीं होता है। अगर आप पढ़े हुए हो एक बार भी, चाहे आपको याद हो या ना हो, एटलीस्ट चैप्टर्स के नाम याद है। कई लोगों को तो चैप्टर्स के नाम भी याद नहीं होते, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस अगर आपको चैप्टर्स के नाम याद है। और नहीं है, कोई बात नहीं, हो जाएंगे, पढ़ के ही होता है। कोई भी इंसान कोशिश करके ही कुछ सीखता है, एकदम से कुछ पहले से नहीं आता उसे, ठीक है। अब जहाँ तक बात आती है स्टार्ट करने की, तो जी हाँ, आप स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ भी चीज़ के लिए लेट कुछ कभी भी नहीं होता। ऊपर से अभी मेरे हिसाब से कुछ नहीं तो 5 months डेफिनेटली है हमारे पास, और 4-5 months, और उस ड्यूरेशन में आप डेफिनेटली प्रिपरेशन कर सकते हैं एकदम बहुत ही बढ़िया तरीके से। बस शर्त इतना ही है, कह सकते हो कंडीशन इतना ही है कि आपको अपने दिन के 10-10, 12-12 घंटे देने होंगे किसी भी तरह से, चाहे आप कुछ भी करें। मैं ये इस बात की सपोर्टर नहीं हूँ कि 12 घंटे पढ़ने पर सिलेक्शन होता है। मैं इस बात पे सपोर्टर हूँ कि आप जितने भी घंटे पढ़ रहे हैं वो प्रोडक्टिव हो, जो पढ़ रहे हैं वो दिमाग में घुस रहा हो, ऐसा नहीं कि बस बैठे हैं किताब लिख के। देखो, ज़्यादा घुमा फिरा के बात करना आता नहीं है, लेकिन सीधी सी बात यह है कि अगर आप थोड़ा लेट हो गए हैं प्रिपरेशन स्टार्ट करने में, तो ऑब्वियस सी बात है आपको दूसरों से थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करना होगा ताकि आप उन तक पहुँच सको, उस लेवल तक पहुँच सको, और उसके लिए थोड़ा टाइम बढ़ाना होगा, क्योंकि आपको एक दिन में थोड़ा ज़्यादा पढ़ना होगा, थोड़ा ज़्यादा यू नो प्रोडक्टिव होकर पढ़ना पड़ेगा। जो पढ़ रहे होगे वो इस तरह से नहीं पढ़ रहे हो क्योंकि फिर पढ़ूंगा, ऐसे नहीं। जो पढ़ रहे हो वो आपको याद होना चाहिए, आपको दिमाग में रहना चाहिए एक लंबे समय तक, एटलीस्ट नीट तक। मैं मानती हूँ कि 4-5 महीने में भी भूलोगे आप, लेकिन मल्टीपल रिविज़न करना होगा आपको। तो जिस तरह की जो ये टॉपिक है कि जीरो से स्टार्ट कर सकता हो, ये बहुत सारे बच्चों को रहता है। यार, तुम्हें कोई कैसे बता सकता है कि तुम कर सकते हो कि नहीं? सबसे बड़ी बात, अगर तुमने सोच रखा है कि मुझे करना ही है नीट, चाहे आप थोड़ा लेट ही क्यों ना हो गया हो, तो तुम्हें किसी की यू नो परमिशन या किसी की हाँ मंजूरी की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये तुम्हारा ड्रीम है और इस पर तुम्हें लड़ना होगा, तुम्हारे खुद के माइंड से लड़ना होगा, क्योंकि वही एक जो माइंड है हमारा, वो कई तरीके की चीज़ें सोचता है एक वक्त पर, और वो हमें कंसंट्रेट होने नहीं देता। कई बार हम सोचते हैं कि हमें पढ़ाई करना है, फिर पढ़ते पढ़ते कुछ और याद आता है, फिर हम फ़ोन चलाते हैं, फिर कहीं चले जाते हैं, इस तरह की चीज़ें होती है। लेकिन आपको दिल दिमाग सबको कंट्रोल में रख के काम करना होगा, बिकॉज और कोई ऑप्शन नहीं है इस वक्त मेरे हिसाब से। बिकॉज जब आप इतनी बड़ी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उस वक्त आपको कुछ तो कुछ छोड़ना पड़ेगा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ये तो पता है। बट मैं खोने के लिए नहीं कहूँगी, थोड़े दिनों के लिए छोड़ने के लिए कहूँगी। खोने वोने की कोई ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट आप थोड़ा टाइम वेस्ट भी कर सकते हैं, दिन में टाइम वेस्ट करने के लिए भी टाइम निकालो। हाँ, क्योंकि कोई भी इंसान रोबोट तो है नहीं कि भाई लगे पड़े हैं, वक्त ही नहीं मिल रहा, जान पे बना रखा है, ऐसा भी नहीं। बट लेकिन ऐसा होना चाहिए ना कि लोग तुम्हें पागल बोलने लगे कि इसको क्या हो गया है, अचानक इसको क्या हो गया कि रूम में बंद होकर बस पढ़ाई कर रहा है। सो अपना इन्वायरमेंट आप खुद से ही बना सकते हैं। कई लोग कहेंगे कि दी तो मैं घर पर हूँ, मुझे तो डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, ये होते, उसके लिए भी वीडियो बना रखा है मैंने, नहीं चेक किया है तो चेक कर लेना। एंड
देखो जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उन सब के सॉल्यूशन है, ये बात मान के चलना। और अगर आप ये मानते हैं कि आपको 11th नहीं आता, आपको 12th नहीं आता, तो आप गलत हैं। आपको काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, और बात बस इतनी सी है कि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा, आपको कंसेप्ट अच्छे से पढ़ना होगा, सीखना होगा, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट जो टॉप भी करता है वो भी सीख कर ही टॉप किया है, और आप भी सीख कर ही कर सकते हैं, मेरा ये मानना है। हालांकि अगर नहीं भी होगा इट्स फाइन, इट्स ओके, दुनिया ख़त्म नहीं होता, जहाँ पे सिलेक्शन नहीं होता है वहाँ से दुनिया नई दुनिया शुरू होती है। बट मैं आपको ये कहना चाहूँगी, क्योंकि इस वक्त आपका प्रेफरेंस, आपका प्रायोरिटी नीट है, उस हिसाब से सोचिए और उसके लिए काम कीजिए। क्योंकि मैं कह दूँ या कोई और तीसरा चौथा इंसान कह दे कि हाँ तुम कर लो, तुमसे हो सकता है, वो हम कहेंगे आपको, लेकिन अंदर से फीलिंग आपको आना चाहिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, बिकॉज कोई और आपके अंदर घुस के आपका बोल नहीं सकता कि हाँ तुम हो, तुमको करना होगा, ये सब नहीं। तुम्हें खुद के माइंड में ये चीज़ डालना होगा कि भाई हमारे पास वक्त 5 महीने हैं, और हमारा ड्रीम है कि हमको MBBS सीट चाहिए, तो हमें लड़ना होगा इसके लिए और कैसे भी करके काम करना होगा। अलग सर एक बार उन्होंने ऐसा कहा था अपने क्लास में कि लाइफ मैनेज करिए, स्टडी मैनेज मत कीजिए। एग्जैक्टली मैं यही कहना चाहती हूँ, लाइफ मैनेज कर लेना 5 महीने के लिए, स्टडी मैनेज मत करना कि कल कर लेंगे। कुछ चीज़ें लाइफ में जो चल रही है उसके लिए आप कल बोल देना, पढ़ाई के लिए कल मत बोलना या बाद में मत बोलना। बाद में कर लेने की जो चीज़ें हैं वो उसको अलग से रखना, लेकिन स्टडी अभी इस वक्त और अभी से स्टार्ट करेंगे ये बात याद रखना, और अभी से स्टार्ट कर दो, प्लीज़ लेट मत करो। जितना लेट करोगे उतना दिक्कत बढ़ेगी और परेशानी रहेगी माइंड में कि लेट शुरू किया। नए साल शुरू होने से पहले स्टार्ट कर दो, तो तुम्हें लगे एटलीस्ट 2021 में स्टार्ट किया था। तो ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए था जो अंडर कॉन्फिडेंट है, उनको लगता है कि 5 महीने में क्या पता होगा या नहीं, तो मैं कह सकती हूँ कि जरूर होगा, बस मेहनत करने की बात है। अपना 100% दे दो, जान लगा दो बेसिकली, है ना, कि कोई कहते हैं ना कि जान लगा दो या जाने दो, तो बेसिकली जान लगा दो, जाने देने की ज़रूरत नहीं है। और आप को और भी किसी तरीके की दिक्कत परेशानी आती है तो मैं हूँ, आप मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट्स कर सकते हैं, तुरंत आ जाएगा आपको, विद इन 24 आवर्स आपको आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। मैं तुरंत वीडियोस बना के आपको बता दूंगी। और आपको पर्सनली मेरे से बात करना है तो इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे भी अवेलेबल हूँ, वहाँ पे फ़ोन पे बात कर लूँगी आपसे अगर और किसी तरीके की दिक्कत होती है। कई बच्चों को वैसे भी हेल्प कर रही हूँ मैं, तो आप ऐड हो सकते हैं, और इसके लिए कोई चार्ज नहीं ले रही हूँ। कई एक बच्चे का मुझे मैसेज आया कि दी आप मुझे बस गाइड कर दो, मैं आपको पे भी करूँगी। मैंने कहा भैया ये सब करने के लिए मैं यूट्यूब पर नहीं आई हूँ, पे वे करने के लिए नहीं चाहिए मुझे, मैं मेरा जो ड्रीम है वो कर लूँगी, तो पैसे कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, वो हो जाता है, ठीक है। और बस आप लोग अच्छे से रहिए, और अगर आप मेरे बातों से अगर आपको 1% भी फायदा होता तो सब्सक्राइब कीजिए, मुझे कुछ और नहीं चाहिए, सब्सक्राइब कीजिए, और सो दैट हमारी इस छोटी सी फैमिली को बड़ी बनाइए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, कीप मुस्कुराना।